सामने आ रही है, रुख करते हैं सहयोगी विभाग की ओर। बिल्कुल, तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमारे सामने इस वक्त 1 बजे तक के आ चुके हैं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज झारखंड के हैं। झारखंड में 3 लोकसभा की सीटें और इन 3 लोकसभा की सीटों पर 1 बजे तक लोगों ने कितना प्रतिशत मतदान किया उसके आंकड़े आपके सामने, जिसमें चतरा में इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है 42.76% लोगों ने वोटिंग की है। कोडरमा में 42.73% वोटिंग हुई है, चतरा में 42.76% और हजारीबाग में इन 3 लोकसभा सीटों में सबसे कम 40% के आसपास की वोटिंग जो है वो नजर आती है। तो झारखंड में बिहार की तुलना में बेहतर मत प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर जो वोटर्स हैं वो ज्यादा जागरूक नजर आते हैं, हालांकि जो मूलभूत समस्याएं उनकी वो अभी भी बनी हुई हैं। तो बिल्कुल देखिए, 7 बजे से वोटिंग शुरू है, लेकिन 9 बजे हमने पहला बताया कि परसेंटेज कितनी रही, उसके बाद 11 बजे बताया और अब देखिए 1 बजे तक हमारे पास आंकड़े सामने आ गए हैं। झारखंड में 1 बजे तक 41.89% वोटिंग हुई है और ऐसे में अगर बात कर लीजिए हजारीबाग की, तो यहाँ पर 40% वोटिंग हुई है और गांडेय विधानसभा सीट पर भी हालांकि वोट हो रही है, यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और यहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं। तो देखिए कोडरमा में 42.73% वोटिंग, चतरा में 42.76% वोटिंग अभी तक हो पाई है। तो देखिए आपको बता दें कि वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से ही जारी है और 1 बजे तक की अगर बात कर ली जाए तो 1 बजे तक देखिए आपको आंकड़े दिखा रहे हैं झारखंड की, कुल जो परसेंटेज है वो 41.89% वोटिंग हो पाई है 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं झारखंड में टोटल 41.89% वोटिंग हुई है अभी तक 1 बजे तक। और आपको लोकसभा सीट के जरिए बता देते हैं, देखिए चतरा में, चतरा लोकसभा सीट पर 42.46% वोटिंग हुई है अभी तक, यानी कि ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कोडरमा की बात कर लें तो देखिए कोडरमा में 42.73% यहां पर वोटिंग हुई है और यहां का भी ग्राफ जो है वो बढ़ा है सुबह से लेकर अब तक। हजारीबाग की बात कर लेते हैं तो हजारीबाग में 40% 1 बजे तक वोटिंग हो पाई है, लोग एक्टिवली वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी जाएंगे और वोट डालेंगे और यही अपील भी न्यूज 18 आपसे करता है कि आप जाइए और वोट डालिए। तो ये झारखंड की हमारे पास जो वोटिंग परसेंटेज आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, तो 41.89% यानी कि 41.89% झारखंड में अभी तक वोटिंग हो पाई है, लेकिन अभी और भी इस जो ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ाना है, इसमें इजाफा लाना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे और सेल्फी भी लेंगे। करना क्या, आपके पास स्मार्टफोन है, फोन उठाइए, सेल्फी लीजिए और न्यूज 18 से शेयर भी कीजिए ताकि हम आपकी फोटो को अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा पाए और आप भी खुश हो पाएंगे कि आपकी आप जो फोटो है वो टीवी पर चलेगी। तो देखिए कुछ आपको, आप देखिए बग्गी जो है वो वोटिंग परसेंट लेकर के जा रही है, 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है हमारे पास वो दिखा रहे हैं और ऐसे में झारखंड में 41.89% 41.89% यहाँ पर वोटिंग हुई है। तो ऐसे में अगर बात कर ली जाए कोडरमा की, तो यहाँ पर 42.73% वोटिंग हुई है अभी तक, चतरा में 42.76% वोटिंग हुई है, हजारीबाग में 40% वोटिंग हो पाई है। और अब देखिए दूसरी बग्गी लेकर आ गई है कोडरमा और हजारीबाग की हमारे पास आंकड़े लेकर, तो कोडरमा में 42.73% वोटिंग और हजारीबाग में 40% वोटिंग, 3 सीटों पर इस बार चुनाव। और टोटल आपको बताते चलें कि झारखंड में 3 अभी दूसरे चरण में, दूसरे लोकसभा चरण में झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा। तो यहाँ पर सभी पार्टियों ने जी तोड़ मेहनत की है और कोशिश लगातार जारी है कि सारी सीटें जो हैं वो जीत ली जाए। तो ऐसे में तैयारियां की गई और वोटिंग के दिन खासतौर पर खूब तैयारी की गई है, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों का भी इंतजाम वहां पर है, सुरक्षा बल तैनात है वहां पर, और ऐसे में वोटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से अभी तक अगर हमने जो ग्राफ आपको दिखाया उसमें काफ़ी इजाफा भी हुआ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं।